फ्रेंड्स, मैं अर्चना, वेलकम टू सुभानीस किचन। आज हम बनाएंगे बारबेक्यू स्पेशल कजून स्पाइस पोटैटो। हम बहुत जल्द आपके लिए नवरात्रे के लिए फलाहारी थालियां लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नई रेसिपीज के लिए। पोटैटो बनाने के लिए पहले हम बेबी पोटैटोज बॉईल करेंगे। इसके लिए मैं कुकर में पानी डालूंगी। पानी हम कुकर में बहुत थोड़ा सा डालेंगे। आप देखेंगे 1/4 कुकर भी हमारा पानी का नहीं भरा है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब हमने ये बेबी पोटैटोज लिए, ये हम बॉईल करने रखेंगे। कुकर में हम 2 विसिल लेंगे, उसके बाद प्रेशर निकलने के बाद हम आलू निकाल लेंगे। पानी में हमें आलू को बहुत देर तक पड़े नहीं रहने देना है। ये पोटैटोज हल्के से ठंडे हो गए हैं, अब हम इनको हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। बहुत तेज गर्म हो जब आपको ऐसा नहीं करना है। और ये जो थोड़ा सा आलू अगर प्रेस करने में निकल जाएगा तो हम इनको ऐसे शेप दे देंगे। अब हम इसके लिए लेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। वन टेबल स्पून मैदा। 1/2 टीस्पून सॉल्ट। 1/4 टीस्पून वाइट पेपर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास वाइट पेपर ना हो तो ना डालें। वाइट पेपर की जगह आप ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं। अब इसको पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। अब आप देखेंगे कि ये हमारा बहुत पतला भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। हमने पैन में तेल डाला है, ये हल्का गर्म हो गया है हमारा। आलू को कॉर्नफ्लोर मैदा के पेस्ट में डिप करेंगे। हमें ये शैलो फ्राई करना है। हमें तेल को बहुत ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना है और हम इसको मीडियम फ्लेम पर शैलो फ्राई करेंगे। अगर आप तेज गैस पे करेंगे तो ये बहुत लंबे टाइम तक क्रिस्पी नहीं रहेंगे। हम इनके ऊपर चम्मच से तेल डाल देंगे। अब हम इन्हें टर्न करेंगे। ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं पोटैटोस। ये हमारे सारे पोटैटोस शैलो फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके लिए सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए हम लेंगे 3 टेबल स्पून मेयोनीज। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं हो तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। वन टीस्पून रेड चिली सॉस। इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून मिल्क। ये हमें रूम टेम्परेचर पे लेना है। हम थोड़ा सा पतला और करेंगे तो मैं 1 टेबल स्पून मिल्क और डालूंगी। ये सॉस 6 to 8 पोटैटोस के लिए सफिशिएंट रहता है। ये अब अच्छे से मिक्स हो गया। आप ये देख सकते हैं, ये हमें इतना गाढ़ा रखना है। इसकी थिकनेस देख लीजिए। अब हम प्लेटिंग करेंगे। हमने पोटैटोज रख दिए। पोटैटोज के ऊपर हम ये सॉस डालेंगे। ये सॉस डालने के बाद हम ऊपर से थोड़ा सा अनियन डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डाल के गार्निश करेंगे।
ये बारबेक्यू स्पेशल कजून स्पाइस पटेटो बनके तैयार है। आप ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।